الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما आपकी मोहब्बत को जगाने के लिए, क्योंकि आज है 12 रबीउल अव्वल सुभान अल्लाह। और ये है खास मिलाद की घड़ियां, खास वो दिन है जिस दिन रहमतन लिल आलमीन तशरीफ लेके आए हैं, हुजूर तशरीफ लेके आए हैं। इसलिए हम कहते हैं और पढ़ने के साथ मिलके के ईद नबी का ज़माना मेरा वादा था आपके साथ इंशाल्लाह 12 की महफिल में बयान करेंगे, और मैंने डायरेक्ट उसी मौजू पे जाना है। आप ज़ौक के साथ बैठेंगे, शौक के साथ बैठेंगे, मोहब्बत के साथ बैठेंगे, इश्क़े रसूल दिल में लेके बैठेंगे, तवज्जो इधर रसूल लेके बैठेंगे, बैठे यहाँ पे होंगे, आप तसव्वुर में गुंबदे खज़रा के सामने होंगे। तो फिर आपके बैठने का और मेरे बताने का, आपके सुनने का मकसद पूरा हो जाएगा। लिहाजा मिलके पढ़ेंगे ईद नबी का ज़माना आ गया। आज जो सारे इकट्ठे होके 12 की शब को अल्लाह तबारक बताला के हबीब का जिक्र आप करने के लिए मस्जिद के अंदर आए हैं, इसकी वजह भी ये है कि ईद नबी का ज़माना वाला आया है, अब्दुल्ला का नाम आया है, अब्दुल्ला का जान आया है।
رسول اللہ یا علی زندہ باد لبیک کس کی بادشاہی ہے مصطفیٰ کی بولو نا جواب کس کی بادشاہی ہے مصطفیٰ کی کس کی بادشاہی ہے مصطفیٰ کی کس کی بادشاہی ہے مصطفیٰ کی کیوں کیونکہ اللہ پاک نے اپنے لیے ارشاد فرمایا آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں ہوں پورے عالمین کا رب بولنا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی عالمین کا لفظ استعمال فرمایا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سے کہیں سبحان اللہ آپ پچھلے بھی کہیں سبحان اللہ پہلے بھی خان صاحب ماشاء اللہ ہمارے بھائی روزانہ محفل میں آتے رہے مجھے نام نہیں ان کا آتا آپ بھی کہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ بڑی محبت سے سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنے لیے فرمایا کہ لوگوں میرا اعلان سن لو کہ میں وہ رب ہوں جو عالمین کا رب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین حبیب کو کیا شان عطا فرما کے بھیجا ہے فرمایا لوگوں وہ بھی اعلان سن لو کہ ماما سبحان جو خود پہنتے ہو انہیں یہی پہنانا فرمایا ان کا بھی اتنا خیال کرنا جتنا اپنی ذات کا رکھتے ہو اور کس کو
को मीराज बनाना चाहिए, गुलामों को बनाना चाहिए कि मुस्तफा आए हैं तो उनके हकूक मिले। सुभान अल्लाह, कौन से क्या तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्योंकि मिलाद ही तो असल है, मिलाद ही तो बल्कि सबसे बड़ा शिर्क का रंग जो है वो मिलाद मुस्तफा। मिलाद से बड़ा रद्द शिर्क क्या होगा, मिलाद से बड़ा रद्द शिर्क क्या होगा। अच्छा, मिलाद 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 माना नहीं किसी ने देखना, मिलाद है क्या, मिलाद है विलादत मुस्तफा का तज़किरा। सुभान अल्लाह, आपकी विलादत भी हो ना तो उसको भी अरबी में मिलाद ही कहते हैं। सुभान अल्लाह, आज 18 अक्टूबर अगर तारीख बताया शेख आप का माशाल्लाह, इन्होंने साथियों ने केक शेक काटा हुआ है, तो अगर वो मेरी आज तारीख पैदाइश 18 अक्टूबर है या आपकी कोई है किसी कोई, एक तो अक्टूबर में होगी, नवंबर में होगी, दिसंबर में होगी, जनवरी में होगी, आपकी विलादत को कहते हैं जी ये मलक साहब का मिलाद हुआ है, भाई रशीद साहब का मिलाद हुआ है, नईम दार साहब का मिलाद हुआ है, हाजी शाहवत साहब का मिलाद हुआ है, भाई जिसके जो डेट है आपकी विलादत को भी मिलाद कहेंगे, लेकिन उर्फे आम में जब मुस्तफा की विलादत का तज़किरा आ जाए तो उसे मिलाद पाक कहा जाता है। मिलादे मिलाद कहते हैं विलादत के तज़किरे, विलादत के मौका पर जो वाकयात रूनुमा हुए उनका तज़किरा करना। सुभान अल्लाह, तो रद्दे शिर्क कैसे हो गया, लोग कहते हैं शिर्क पे कर, भाई शिर्क कैसे हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला नऊज बिल्ला वो तो कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, ना उससे किसी ने जन्म लिया ना वो किसी से जन्म लिया हुआ है, क्योंकि वो अल्लाह है, वो क्या है अल्लाह, और मुस्तफा मखलूक है, मुस्तफा क्या है मखलूक, पैदा हुए हैं, बोलो ना सुभान सुभान, तो अल्लाह का मिलाद तो नहीं होता, तो मिलाद तो उसी का हो सकता है जो पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, खुद का मिलाद मना के गोया ऐलान करते हैं कि वो अल्लाह है जो खालिक और मालिक है और मुस्तफा मखलूक है जो पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, बात समझ में आई, हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शान ए रहमत अता फरमा के भेजा और पूरी कायनात का सरदार बना के भेजा। सुभान अल्लाह, अंबिया के सरदार भी मुस्तफा है, बोलो सुभान अल्लाह, इमाम अल अंबिया भी मुस्तफा है, खातम अल अंबिया भी मुस्तफा है, खातम अल नबीयीन भी मुस्तफा है, अल्लाह के हबीब भी मुस्तफा है, आमिना पाक के चांद भी मुस्तफा है, अब्दुल्ला के फरजंद अर्जमंद भी मुस्तफा है, ज़हरा के बाबा भी मुस्तफा है, हसनैन के नाना भी मुस्तफा है, अबू बकर सिद्दीक के आका भी मुस्तफा है, उमर फारूक के आका भी मुस्तफा है, उस्मान गनी के आका भी मुस्तफा है, मौला मुंतज़ा के आका भी मुस्तफा है, पूरी कायनात के आका भी मुस्तफा है, मेरे आका भी मुस्तफा है, आपके आका भी मुस्तफा है, जानवरों के आका भी मुस्तफा है, हैवानों के आका भी मुस्तफा है, नबातात के आका भी मुस्तफा है, जमादात के आका भी मुस्तफा है, अरे जन्नत के आका भी मुस्तफा है, और हशर के दिन सब के आका भी मुस्तफा है। आप जब तशरीफ लाने लगे हजूर सजीदा तय्यिबा ताहिरा सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा आप इरशाद फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम अब सीरत हरबिया उठाएं या हदीस की दूसरे किताबें उठाएं, किताबें भरी पड़ी हैं, सब ने यह लिखा है, चाहे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब हो, चाहे मौलाना शाह अहमद रजा बरेलवी साहब हो, चाहे दूसरे नवाब सदीक असद गोबानी हो, सब ने यह लिखा है कि मिलाद की साथ वो साथ है, मिलाद की साथ वो प्यारी साथ है, मिलाद का वक्त वो ऐसा हसीन वक्त है, वो कहते हैं कि कायनात का कोई भी शब कोई भी लम्हा मुस्तफा की शबे विलादत का फजीलत में मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इन गलियों में वो खुद तशरीफ ले
لے کے آیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فضیلتیں تقسیم فرمائی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. امام السلامی نے لکھا, میں نے جمعہ میں موضوع بنایا تھا, لگبھگ آدھا اس کا ذکر ہوا ہے, آج کی شب بتا دیتا ہوں. امام السلامی فرماتا ہے کہ تین وجہ سے, اور الحمدللہ یہ ایسا ایک پوائنٹ ہے جس پہ پوری امت متفق ہے. پوری امت کیا ہے؟ ایک تو اس بات پہ متفق ہے کہ یہ بھی سن لیں, عمرہ شریف کے لیے جاتے ہیں جن کو بھی سعادت حاصل ہوئی, ذرا ہاتھ کھڑا کر ماشاء اللہ, جنہوں نے سرکار کی زیارت کی آپ کے گنبد خضرا شریف کی ماشاء اللہ, کثیر تعداد میں ساتھی ہیں جن کو نہیں ہوئی, اللہ پاک انہیں بھی زیارت کروا دے, اور جو گئے ہیں ان کو بار بار دے جائے, کہہ دیں آمین. شب میلاد ہے, یہ گھڑیاں ہیں قبولیت کی, دعا مانگ لیں بلو سے لیے سے اللہ قبول فرما لے گا. ایک تو امت کا اس بات پہ کوئی جھگڑا نہیں, چاہے اہل تشیع ہوں, اہل سنت ہوں, اہل حدیث ہوں, سلفی لغات ہوں, جو بھی مکتبہ فکر ہو, یہ اللہ کا فضل ہے. اس بات میں پوری امت متفق ہے کہ وہ خاص آقا علیہ السلام کی قبر پاک کی جگہ, کہ جہاں پہ آقا علیہ السلام کا جسد مبارک آپ کا اس خاک کے اندر قبر پاک میں موجود ہے, اور حضور کے ڈائریکٹ آپ کے جسد اقدس سے جو بھی مٹی کے ذرات لگ رہے ہیں, توجہ ہے, جو بھی مٹی کے ذرات حضور سے مس کر رہے ہیں جسد اقدس مصطفیٰ سے, سب علماء نے متفق, یہ متفق علیہ ہے, سب مابہل اتفاق پہلو ہے پوری امت کا, کہ وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جو ڈائریکٹ مصطفیٰ کے جسد اقدس کے ساتھ لگ رہا ہے وہ عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. سبحان اللہ, وہ اس سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ نائب ہیں اللہ کے. بولو نا سبحان اللہ. حضور نائب ہیں کس کے؟ نائب ہیں اللہ کے, نائب ہیں حضور اللہ کے, حبیب ہیں حضور, وجہ تخلیق کائنات ہیں حضور, اس کائنات کے بننے کا سبب ہیں. آقا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لو لا کل انا خلقت الافلاک, اے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو ہی پیدا نہ کرتا, پر میں حبیب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو فرمایا میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا. اور مصطفیٰ نے پوچھا آپ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ کن تو نبیم و آدم و بین الماء و تین, کن تو نبیم و آدم و بین الروح و جسد. فرمایا کہ اللہ کی ہاں میں درجہ نبوت میں اس وقت بھی فائز تھا جب آدم کی مٹی اور پانی علیحدہ پڑے تھے, اللہ کے درجہ نبوت کے درجے پہ بٹھا. فرمایا 14,000 سال پہلے حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ختم نبوت پہ فائز ہو چکا ہوں. حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں, خود حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ بھی آپ کو بات بتانی پڑتی ہے کہ تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں کہ مصطفیٰ والے کون ہیں اور گستاخان مصطفیٰ کون ہیں. مصطفیٰ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو, بات سمجھ چاہیے ہوئی تو پلے پا کے لے جائے یہ پیسہ, ٹھیک ہے؟ بعد میں لوگ اعتراضات اور لوگوں نے کرنے ہیں, کرتے رہتے ہیں, ان کا مقام یہ ہے, لیکن یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا, مر کے بھی یہی عقیدہ ہے, کوئی مار کے پھر بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی. سرکار کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی. حضور کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی. خاتم النبیین کی مسند میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں. حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے, آپ کا مقام یہ ہے, آپ کا مرتبہ یہ ہے. اور پھر جب آقا تشریف لے کے آئے, وہ میلاد کی خاص گھڑیاں حضور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں, توجہ سے سنیے گا, میں بہت ساری کتب سے اور احادیث کا خلاصہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں, ہاں حوالہ جات کا میں ذمہ دار ہوں. حضور سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آنے لگے تو فرمایا کہ پوچھا کہ اے آمینہ پاک سلام اللہ علیہا, حضور کس عالم میں تشریف لے کے آئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو فرماتی ہیں کہ خرج منی نور. خرج منی نور, فرماتی ہیں کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا. سبحان اللہ, کیا سبحان اللہ. اب میں قرآن پاک پہ واپس آتا ہوں.
जब ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए ना, तो कुरान में खोल ले, तुम कहते हैं, पढ़ के बता दे तुम मकाम भी, जब आप पैदा हुए तो हजरत सैयदा मरियम खजूर के खुश्क एक तने के साथ टेक लगा में बैठी। बोलो सुभान अल्लाह। खजूर का खुश्क तना, खुश्क तना आपने खजूर का कभी देखा है? देखा होगा आपने, ज्यादा तो मेरे सारे पिंडा नहीं रहने आए, आपने देखा होगा खजूर का तना खुश्क तने के साथ बैठी हुई थी, तो जंगल के अंदर मौजूद थी, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बियाबान में चली गई थी। जब हजरत ईसा की विलादत का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज गुजार हुई कि मौला ये इतनी इत्तला की घड़ी मेरे ऊपर है, लोग भी तोहमत लगाएंगे, और मैं इस परेशानी के आलम में थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो जिस तने के साथ हजरत मरियम ने आपने टेक लगाई हुई थी ना, तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ हबीब, उनकी तरफ इल्का किया कि फरमाया कि ऐ मरियम इसको हिलाओ इस तने को। हजरत मरियम ने जब तने को हिलाया तो वो खुश्क तना सरसब्ज हुआ। बोलो ना, सरसब्ज हुआ। अब कुरान का इनकार तो नहीं किया जा सकता, गोया कि ये नामुमकिन में से नहीं है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तो वो चाहे तो फल साल में जाके लगे, चाहे तो एक पल में लगा दे, मर्जी तो उसकी है, उसकी अपनी मर्जी है। तो आपने तने को हिलाया ना तो वो तना जो था वो सरसब्ज हुआ, उस पर टहनियां लगी, उस पे उसी वक्त खजूरें लगी, उसी वक्त तरोताजा हुई, और फिर वो इतनी पक गई कि खुद ब खुद उनकी जोली में गई। वो भी बात समझ में आई कि वो गिरी, हजरत मरियम ने उनको खा के इफाका महसूस फरमाया। कहते सुभान अल्लाह, ये है हजरत ईसा अलैहि सलाम, उनकी वालिदा, और ये है इमाम अंबिया, आए ये है इमाम अंबिया की दार, ये मोहम्मद मुस्तफा आए हैं। अरे जिनके पीछे ईसा भी हाथ में हाथ बांधे खड़े नाम नबियों के यूं तो बड़े के नगीने चढ़े हैं, मुक्तदी पर के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले हुए। अगर कहते खजूर का खुश है वो फल आवर दर्द बन सकता है, हजूर से आमना फरमाती है जब हजूर की पैदाइश होने लगी तो फरमाते खजूर के तने की तरह बुलंद कद वाली औरतें मेरे पास आई, मैंने पूछा तुम कौन हो, एक ने कहा कि मैं हव्वा हूं, मैं बोलो ना हव्वा हूं, दूसरे ने कहा कि मैं आसिया हूं, तीसरे ने कहा कि मैं मरियम हूं। हम पूछा किस लिए तशरीफ लाई है, फरमाया कि मुस्तफा का इस्तकबाल, करने के लिए आई है। और हजूर सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा आपसे पूछिए, आप फरमाते हैं जब मिलाद की घड़ियां तकरीब आई, फरमा के आसमान के सितारे, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो मेरे छत के ऊपर आ गए, जिस तरह सितारे छत नहीं ताम देते, ये इलाही इहतमाम था, अल्लाह की तरफ से इहतमाम था, क्योंकि आप ही वो रहा है ना जो नूर वाला है, जो खुद नूर है, नूर वाला है। मैं ये वैसे 11 महफिल में समझाता रहा हूँ, नूर के किसको कहते हैं, तो नूर कोई बशर कोई एक दूसरे की जिद नहीं है, मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, फकत आप ये बताना चाहता हूँ कि हजूर आए सैयदा आमना फरमाती है कि खारज मिन्नी नूर, फरमाती है कि मुझसे नूर जाहिर हुआ, पूछा कि ऐ सैयदा तैयबा ताहिरा कितना नूर जाहिर हुआ, आपका कमरा रोशन हुआ होगा, फरमाया कि हाँ कमरा तो रोशन हुआ लेकिन नूर इससे भी ज्यादा था, सुभान अल्लाह, नूर इससे भी हजूर आपका घर रोशन हो गया होगा, इतना नूर जाहिर हुआ, फरमाया कि नूर तो था घर भी रोशन हुआ लेकिन नूर इससे भी ज्यादा था, हजूर आपका मोहल्ला फरमाया इससे भी ज्यादा था, मक्का शहर रोशन हो गया होगा, फरमाया कि नहीं इससे भी ज्यादा था, पूछा कि ऐसे विदा वो कितना नूर जाहिर हुआ, फरमाती है कि जब मोहम्मद मुस्तफा पैदा हुए, फरमाया कि खराजा मिन्नी नूर मुझसे नूर जाहिर हुआ, फरमाया कि वो इतना नूर था कि मैंने मक्का में बैठ के शाम के महल्लात को देखा, सुभान अल्लाह, शाम के। चलिए एक सवाल यहां पे पैदा होता है,
आपको जिनको गुंबद खजरा की ज़ियारत महसूस हुई है या ज़ियारत जिन्होंने की है वो तो पहचान जाते हैं, अगर वीडियो को चलाई जाए पहचान जाते हैं कि ये भाई गुंबद खजरा शरीफ है, क्योंकि आपने देखा हुआ या काबतुल्लाह है देखा हुआ है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो भी अब पहचान जाते हैं, क्यों? वो खुद जाहिर ना भी देखा हो तो उन्होंने कोई वीडियो क्लिप देखा होगा, खबरों के अंदर देखा होगा, मशहूर है गुंबद खजरा शरीफ, जाहिर नहीं भी गए उनके सामने भी आप ये अपना टेलीफोन खोलें, यूट्यूब पे जाएं या कोई भी क्लिप चला दें गुंबद खजरा शरीफ का, वो पहचान लेंगे कि ये सरकार का रोजा है, या पहचान लेंगे कि ये खाना काबा है, ये काबतुल्लाह है। ऐसे आगे चले जिनकी और ज्यादा दीन के साथ शगफ है, अगर उन्हें मौला अली शेर खुदा का या करबला वो अल्लाह का रोजा इमाम हुसैन का दिखा दिया जाए, और जिन्होंने देखते हैं वो बजा है जिन्होंने वहां पे हाजिरी नहीं भी दी, लेकिन वो तस्वीर को देख के वीडियो को देख के बता देंगे कि ये मौला अली शेर खुदा का नजफ अशरफ में रोजा पाक है, ये मौला हुसैन का करबला वो अल्लाह का रोजा पाक है। इसे आगे चले जाते हैं जिन्होंने बगदाद शरीफ भी नहीं गए लेकिन हजरत गौसुल सकलैन के रोजे की बार बार वीडियो देखी है, तो वीडियो देख के बता दीजिए कि ये हजरत गौसे आजम का आपका मजार मुकद्दस है, या जो अजमेर में नहीं भी गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उनके रोजे की फोटोएं या वीडियो देखी हुई है वो भी यहाँ पे बैठ के पहचान लेंगे कि ये तो उनका रोजा है, क्योंकि खबर इतनी मतवातिर है कि उन्हें ये यकीन कामिल हो जाता है कि ये रोजा बगदाद का है, ये रोजा अजमेर का है, या ये रोजा अली हजमेरी का है, या ये रोजा पीर मेर अली शाह का है, या ये रोजा हजरत गौसुल आजम का है, या ये रोजा इमाम हुसैन का है, या ये रोजा मौला कायनात मौला अली शेर खुदा का है, या ये रोजा गुंबद खजरा है, या ये दरवाजा जो है ये काबतुल्लाह का है। आजकल के दौर में तो पता चल गया हजरत सैयदा आमिना को कैसे पता चला कि ये शाम के महल्लात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उनको कैसे पता चल गया कि ये शाम के महल्लात है, जब कोई तस्वीर तक उस वक्त रवाज ना था, बताहिर सफर भी नहीं किया शाम की तरफ, पता ये चला कि जो मुस्तफा जिनकी तरफ तशरीफ लेके आ रहे हैं मुस्तफा खाती दिखाई नहीं देते बल्कि बसीरत भी अता फरमाते हैं कि पता चल जाता है कि ये मकाम कौन सा है, सुभान अल्लाह, खाली बसारत नहीं बसीरत भी अता कर दी जाती है, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा अलैहिस्सलाम आपके मौजूदात में से है। हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं कि जब हजरत तशरीफ लेके आए फरमाती हैं कि मुझसे रूह जाहिर हुआ, आखिरी बात कर रहा हूं ताकि आप जो मीलाद की घड़ियां हैं उनको सुन के जाए, आप फरमाती हैं कि मैंने देखा कि मेरे नख्ते जिगर ने कि जिस्सा हसीन आज तक देखा नहीं है, जिस्सा हसीन आज तक देखा नहीं है। हजरत अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया में तशरीफ लेके आए तो पहली जो आपकी हालत थी वो सजदा की हालत, सुभान अल्लाह, अल्लाह को सजदा करते हुए, सुभान रब्बी हमली उम्मती कह के आते आप तशरीफ लेके आए, ये आवाजें दे के आते गए कि मौला मेरी उम्मत को बख्श दे मेरे हवाले कर, मुझे बख्श दे, मेरी उम्मत मुझे बख्श दे ताकि मैं उनकी शफाअत कर सका, हमें याद करते हुए आए, सुभान अल्लाह सुभान। अब जब दुनिया से गए तो हमें याद करते हुए, जब गारे हिरा में गए हमें याद कर रहे थे, जब गारे साव में थे हमें याद कर रहे थे, जब अर्श मुअल्ला पे गए तब भी हमें याद कर रहे थे, जब अल्लाह के पास खलवत में गए तब भी हमें याद कर रहे थे, जन्नत में भी उम्मत को याद किया, खलवत में भी उम्मत को याद किया, तन्हाई में भी अपनी उम्मत को याद किया, दुनिया में तशरीफ आने में भी उम्मत को याद किया, जाते हुए भी उम्मत को याद किया, और अल्लाह पाक ने फरमाया वाला सौ फयोती का रब्बू का फतरना, तो मैं कह हबीब फिर हम भी आपको इतना अदा फरमाएंगे, इतना अदा फरमाएंगे, इतना अदा फरमाएंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक आप मुझसे राजी नहीं हो, सुभान अल्लाह, मुझसे राजी नहीं हो जाते, खुदा की रजा चाहते के हबीब बन के आए हैं, मुस्तफा अपना मकाम है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब फकत मुस्तफा,
इस सूरत में आए हैं कि सहाबाए कराम इस्तिमा करके मस्जिद नबी शरीफ में बैठे थे, आका तशरीफ लेके आए, सुतून के पीछे आप तशरीफ लेके आ रहे थे, सुना कि कोई कह रहा था कि हजरत आदम की बड़ी शान है, हजरत रुक गए सुनने लगे कि ये क्या कहते हैं, सहाबा क्या बात कर रहे हैं, किसी ने कहा आदम की बड़ी शान है सफीउल्लाह बन के आए हैं, किसी ने कहा नूह की बड़ी शान है नजीउल्लाह बन के आए हैं, किसी ने कहा इब्राहिम की बड़ी शान है खलीलुल्लाह बन के आए हैं, किसी ने कहा इस्माइल की बड़ी शान है जबीहुल्लाह बन के आए हैं, किसी ने कहा दाऊद की बड़ी शान है कि वो खलीफाउल्लाह बन के आए हैं, किसी ने कहा मूसा की बड़ी शान है कलीमुल्लाह बन के आए हैं, किसी ने कहा ईसा की बड़ी शान है रूहुल्लाह बन के आए हैं। जब बात कर चुके मुस्तफा की हलका में दाखिल हो गए, फरमाया जो कुछ तुमने कहा मैंने सुना, जो कुछ तुमने कहा वो हक कहा है, आदम बेशक सफी ही थे, नूह बेशक नजी ही थे, इब्राहिम बेशक खलील ही थे, हजरत इस्माइल जबी ही थे, मूसा कलीम थे, ईसा रूहुल्लाह ही थे, लेकिन फरमाया कि मेरे सहाबा सुन लो बल अना हबीबुल्लाह, तो मैं तो अल्लाह का महबूब बन के आया है, वो तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा है उम्मतियों हुजूर को याद करो, हुजूर के तराने गाओ, हुजूर के दामों के साथ वाबस्ता हो जाओ और हुजूर के साथ जुड़ जाओ, हुजूर अली साहब को सलाम की सूरत के तज़किरे करो और हुजूर की सीरत को अपना लो, नमाज़े पर जगाना के पाबंद बन जाओ, इखलाक का बेहतर बन जाओ, मुस्तफा करीम के तराने गाने वाले बन जाओ, हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ने वाले बन जाओ, मुस्तफा की सूरत से भी प्यार करो, मुस्तफा की सीरत से भी प्यार करो और चलते फिरते मुस्तफा की तस्वीर बन जाओ, हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे उम्मती बन जाओ, क्योंकि दुनिया में जहां भी रहें हम मुस्तफा के गुलाम रहें, दुनिया के किसी खित्ते में रहें। इसीलिए इकबाल के पैगाम के साथ हमेशा मैं अपना खिताब खत्म करता हूँ, वो भी कहते हैं नौजवान को मुखातिब होके कि अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, अक्ल है तेरी सिपर, ये आखिरी कलिमात है, अक्ल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, और मासी अल्लाह के लिए आज है तकदीर तेरी, और तू मुसलमान है तो तकदीर है तकदीर तेरी, अरे की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं, सुभान अल्लाह हवा खड़े होकर दोस्तों सलाम मुस्तफा।